हेलो फ्रेंड्स, तो न्यूज़ तो आपको मिल गई होगी जो एक नई अपडेट आई है सेफ की तरफ से। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो हुआ है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि इस पे एक वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे इस पे अपडेट दिया हुआ था। तो क्या हुआ, अचानक से जनवरी से सीधा फरवरी स्किप हो के मार्च का लास्ट आ गया। मीन्स 2 महीने सीधा ही स्किप हो गए। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आज जानते हैं कि क्यों हुआ और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से ये इस तरह हुआ है, और क्या आगे भी होने के चांसेस हैं। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बात करूंगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो इसके रीजन जो अभी निकल के आ रहे हैं, उसमें से एक तो मेन ये भी लग रहा है क्योंकि कोविड था, बहुत ज़्यादा फाइल लॉक नहीं हुई। तो जो सेफ एक नंबर निकालती है कि इतने लोगों के लिए हम स्लॉट निकालेंगे, तो फरवरी में ज़्यादा फाइल्स नहीं रही होंगी, इस वजह से उन्होंने उस हिसाब से नंबर निकाले जो मार्च तक पहुंच गए। पर नंबर्स ऑफ पीपल सेम ही थे, बट उन्होंने ज़्यादा पीरियड हो गया क्योंकि कम लोग थे। और दूसरा ये भी है कि सेफ ने एक अपडेट निकाली जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को एक ही जगह पे स्लॉट्स दे दे, ताकि उन वो जो हर दिन एक नई डेट को सेंड कर रहे थे उसकी जगह पे उन्होंने एक ही बार में सारी डेट्स को सेंड कर दिया 2 महीने की, ताकि उनको बार बार ना सेंड करना पड़े। ये झूठ भी साबित हो सकता है अगर उन्होंने 2-3-4 दिन में फिर और कुछ 4-5 डेट्स निकाली, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के माइंड में आ रहा है कि सेफ ने ऐसा किया है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेस्ट है, बट हुआ तो फिर भी नेक्स्ट 2 महीने बाद फिर 2 महीने के स्लॉट्स निकलेंगे, फिर 2 महीने 2 महीने, तो इसके चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ थर्ड ये चीज़ें भी निकल के आ रही हैं कि सेफ ने कुछ सिस्टम में अपडेट किया है, कुछ नए लोगों को हायर किया है, थोड़ा मैन फोर्स को भी बढ़ाया है इन चीज़ों के साथ साथ, तो इस वजह से भी उन्होंने ज़्यादा स्लॉट्स निकाले हैं। तो अभी क्या है इन्होंने क्लियर नहीं किया है। सेफ ने भी अपने किस उनके ऑफिशियल साइट्स में मैंने पढ़ा, इसमें कोई भी मेंशन नहीं है इस चीज़ों के बारे में। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुई जो सेफ ने मेंशन की या कोई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में हुआ, जो जिसके लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप जाके खुद भी उनको फॉलो कर सकते हैं जो उनका ऑफिशियल है। और अगर कुछ हुआ तो मैं भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो पॉजिटिव रहिए मेन फ्रेंड्स। देखिए अभी जो नए आ रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा अभी भी आओ, बेस्ट टाइम है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अगर आप माल्टा से आ रहे हैं तो बेटर होगा कि एक दो बार अपने घर हो आइए, फिर आके यहाँ 2 साल अपना टाइम दीजिए फ्रेंड्स। और फिर जो कार्ड मिलेगा जैसे मैंने कहा है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। 2 साल बीत जाता है, बहुत इजीली बीत जाता है। जब हम यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं, जैसे मैं माल्टा में था तो मैं भी देख रहा था कि इतना टाइम लगेगा, कैसे बीतेगा, बट फिर टाइम इवेंचुअली बीत जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।